भारत की लेबर मार्केट में, भारत की के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। और इसी में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इंडिया के युवा MBA PhD जैसी डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैं आया था सर इंटरव्यू देने, मैंने बीटेक की हुई है, यहाँ पे बोलते तुमको कुछ आता ही नहीं है, बस तुमने डिग्री ले ली है। बीटेक क्यों कर लिया मैंने, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, कुछ भी नहीं आता, भगाया गया मैं यहाँ से, भगाया गया भाई। ये देखो ये यही से भगाया गया। जहाँ 40 से 50 वैकेंसी निकल रही है वहाँ 10,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं। हेलो भाई, एक जगह मैं आया था यार, यहाँ पे प्राइवेट जॉब है यार एयरपोर्ट पे, साला 40 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग आ गए भाई, बहुत भीड़ है भाई, इसमें दबा दिए गए भाई, दबाए दे रहे यार, ऐसा लग रहा है साला जैसे आर्मी की भर्ती चल रही भाई, आर्मी की भर्ती भाई। मुझे पता चला कि जिंदगी में कैसे धक्के पड़ते हैं भाई, डिग्री लेके भाई, मैं ही नहीं भाई, मेरे साथ ही पढ़ने लिखने के बाद अगर आपको जॉब के लिए धक्का खाना पड़े, ये देखिए भाई प्राइवेट जॉब के लिए। दोस्तों आज से कुछ साल पहले सिर्फ अनइम्प्लॉयमेंट था, लेकिन अभी अनइम्प्लॉयमेंट तो है ही, साथ ही साथ अंडर इम्प्लॉयमेंट भी है। अब मैं आपको बताता हूँ अनइम्प्लॉयमेंट और अंडर इम्प्लॉयमेंट क्या होता है। दोस्तों अनइम्प्लॉयमेंट में वह व्यक्ति आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वह बेरोजगार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है और वह फिर भी बेरोजगार है, तब हम उसको अंडर इम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आप इस ABP लाइव रिपोर्ट को देखिए, भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना है। ऐसे में लोगों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बेरोजगारी के लगातार बढ़ते आंकड़े चुनौती बढ़ा रहे हैं। देश में हर छठा ग्रेजुएट बेरोजगार, अनपढ़ों में 1% से भी कम बेरोजगारी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि अनपढ़ लोगों की तुलना में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है। अनपढ़ लोग में बेरोजगारी दर 0.6% है, जबकि ग्रेजुएट लोग में बेरोजगारी दर आंकड़ा 17% से भी कहीं ज्यादा है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है? आंसर इज नो। दोस्तों इंडिया से बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब यहाँ जनसंख्या कम होगा, और भारत में जनसंख्या कभी कम नहीं होगी। दोस्तों अब सवाल आती है कि लोग ऐसा क्या करें कि जिससे उनका जीवन चल सके, क्योंकि नौकरी नहीं मिलने के कारण युवाओं का उम्र बढ़ती जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा बिजनेस जिसका फ्यूचर ब्राइट है और लोगों का बिजनेस है, और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे यह बिजनेस भी तेजी से चलता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। आज दुनिया में करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं और लाखों की इनकम यहाँ से उठा रहे हैं। अगर आप एक अच्छा सा करियर बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और अपने लाइफ को सिक्योर बना सकते हैं। आज लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी छोटी सी वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए, क्योंकि सबको यह मैसेज मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू।